गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन शाद बाग में डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, वजीर आला के सियासी माविन गजाली सलीम भट्ट, डॉक्टर नदीम ख्वाजा, मिठू भट्ट, आमिर मंजूर, मोहम्मद हसन और तालिबात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए चौधरी शहबाज अहमद ने कहा कि वजीर आला की हदायत पर शहरियों को घर घर जाकर डेंगी वायरस से आगाही दे रहे हैं। तालीमी इदारों में सेमिनार्स भी करवाए जा रहे हैं ताकि लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तालिबात ने डेंगी आगाही सेमिनार के निकात को खुश आइन करार दिया। सेमिनार हो रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर, लाहौर के पूरे शहर में, हर जगह एम एन एस एम पी के सियासी वर्कर जितने भी, ये सारे शामिल हो रहे हैं। और इस साल अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त कल रात तक 75 पेशेंट थे पूरे नोमा में। सफाई का खास ख्याल रखें, इसके जरिए से हम डेंगू की बजाय दीगर बीमारियों से बच सकते हैं। डेंगू से लार्वा बनता है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर हम पहले इसकी रोकथाम खा लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। गली नालियाँ वगैरह जो है उनको भी साफ करवाया जाए, और इसलिए ताकि हम भी बीमारियों से बच सकें और दूसरे अफराद जो हैं वो भी बीमारियों से बच सकें। रुकन पंजाब असेंबली चौधरी वसीम कादर ने शहर रोड बागवानपुरा में डेंगी किट तकसीम की और शहरियों को इस खतरनाक मर्ज के हवाले से आगाही फराहम की। उन्होंने कहा कि वजीर आला की हदायत पर शहरियों को घर घर जाकर न सिर्फ डेंगी किट्स दे रहे हैं बल्कि एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं। खादम आला पंजाब मियां मोहम्मद शबाशी साहब के हुक्म के मुताबिक पूरे लाहौर में लाखों की तादाद से डेंगी किट्स बांटी गई हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज UC 33 में हम डेंगी किट्स बांट रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के मौसर इकदाम की वजह से रवां साल डेंगी के बहुत कम केसेस सामने आए हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ उमर असलम, सिटी 42।